Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बुल मैस्टिफ जैसी कोई बड़ी साइज की डॉग ब्रीड क्या फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ठीक है, क्या फर्स्ट टाइम डॉग ओनर बुल मैस्टिफ को संभाल सकते हैं या फिर नहीं। बट गाइज, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा एक डॉग कम्युनिटी का फेसबुक ग्रुप भी है द अल्टीमेट डॉग्स के नाम से, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने हो आपसे रिलेटेड या फिर डॉग से रिलेटेड या फिर हमसे रिलेटेड, तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं बुल मैस्टिफ के बारे में। तो जैसे कि सभी को पता है कि बुल मैस्टिफ एक काफ़ी लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड है और बहुत से लोग समझते हैं कि मैस्टिफ टाइप डॉग्स जितने भी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत खून खराबा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। बुल मैस्टिफ जो डॉग ब्रीड है वो बहुत ही काम टेम्परमेंट वाले होते हैं अगर ढंग से रखा जाए तो। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि मैं एक बुल मैस्टिफ लाने का सोच रहा हूँ, वो लुधियाना से आएगा, मेरे पापा के एक दोस्त हैं। तो मैंने बोला कि भाई, जहाँ पे हम रहते हैं उस अपार्टमेंट में बुल मैस्टिफ को रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड है और अपार्टमेंट काफ़ी मीडियम साइज़ के होते हैं, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने बुल मैस्टिफ के बारे में जानने के लिए हमें मैसेज किया कि सर आप इसके बारे में बताइए कि बुल मैस्टिफ को फर्स्ट टाइम डॉग ओनर रख सकते हैं या नहीं। तो साफ सीधा क्वेश्चन है जिसका हम आंसर देना चाहेंगे कि हाँ, बुल मैस्टिफ को फर्स्ट टाइम डॉग ओनर रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बुल मैस्टिफ अगर आप रखते हैं तो सबसे ज़रूरी दो चीज़ें होती है, वो है एक सोशलाइजेशन और एक है ट्रेनिंग। ये दोनों चीज़ें आपको उसकी पूरी लाइफ टाइम का ध्यान रखना है। मतलब जिस दिन आप उसको घर में लेकर आएंगे उस दिन से लेकर जब तक वो एज ना हो जाए तब तक आपको उसको ट्रेनिंग और सोशलाइज कराते रहना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जब डॉग छोटा होता है तब उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन करवाते हैं किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से या फिर खुद भी ट्रेन करते हैं, बट जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और जब उनको लगता है कि हाँ मेरा डॉग बहुत सी चीज़ें सीख चुका है, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग बंद करवा देते हैं, जिसके बाद जब वो उसकी धीरे धीरे एज होती है तब वो उसको ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बहुत याद रहता है लेकिन बहुत सी ओबीडियंस जो होती है वो चीज़ें भूल जाता है। तो अगर आप बुल मैस्टिफ लेते हैं तो ट्रेनिंग का और सोशलाइजेशन का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और बुल मैस्टिफ के बारे में आपको और भी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप उसको अगर छोटे से एज अ पपी घर में लाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पपी एक दिन बड़ा होकर 70-80 किलो का बुल मैस्टिफ बनेगा, जो कि काफ़ी लार्ज साइज़ का होगा, और फिर उसके बाद वो ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा जो आप नहीं चाहते कि घर में हो। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, सोफे पे चढ़ के गद्दों को फाड़ देना या फिर किसी के ऊपर जंप कर जाना, क्योंकि 70-80 किलो का डॉग अगर किसी के ऊपर जंप करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट है। तो जंप करना या फिर बाइट करना, पपी बाइटिंग, नाखून वगैरह मारना, ये सब चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो बचपन से ही, जब उसको आप एज अ पपी छोटा घर में लाए तभी से आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ें आप उसको बचपन में भी ना करने दें जो आप उसे नहीं चाहते कि वो बड़े होके करे। और ज़्यादातर जो लोग बुल मैस्टिफ जैसी डॉग ब्रीड लेते हैं वो एज अ ब्रीडिंग पर्पस के लिए लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो फैमिली पर्पस, मतलब फैमिली के लिए एज अ बुल मैस्टिफ डॉग को अपने घर में लेकर आते हैं। और उनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बुल मैस्टिफ जब बड़ा हो जाता है तब बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि उनका बड़ा साइज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि किसी के ऊपर चढ़ जाना, कहीं कूद जाना और एग्रेसिव हो जाना, कुछ कुछ होता है ऐसे। लेकिन उसको भी संभाला जा सकता है अगर ओनर एकदम ट्रेंड रहे। डॉग को तो ट्रेन होना ही पड़ता है लेकिन ओनर को भी ट्रेन होना पड़ता है कि अपने डॉग को कैसे संभाल सके, क्योंकि ये कोई लैब्राडोर नहीं है जिसको आप इजीली संभाल सके। इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसका मूड भी अलग है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना हो बाद में कि आप बुल मैस्टिफ ले तो आते हैं घर में लेकिन फिर बाद में आपको उसको किसी को दे देना पड़ता है या फिर किसी शेल्टर में छोड़ के आ जाना पड़ता है। और बुल मैस्टिफ को अगर आप रखते हैं तो एक और चीज़ है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा, वो है बहुत ही ज़्यादा खर्चा। एक मीडियम साइज़ के डॉग्स के मुकाबले बुल मैस्टिफ का जो खर्चा होगा वो 2 या फिर 3 times ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप उसको बाहर का पैकेज फूड देते हैं तो और भी ज़्यादा खर्चा होगा, और वैक्सीनेशंस, डीवॉर्मिंग टैबलेट्स वगैरह। मतलब अगर कोई किसी डॉग को डीवॉर्मिंग टैबलेट 3 महीने चलती है तो बुल मैस्टिफ जो है, बड़े साइज़ के जितने भी डॉग्स हैं उनको 2 या फिर 1 महीने ही चलेगा।
और भी बहुत से टाइप के खर्चे होते हैं जो आपको बाद में जाके पता चलेगा जब उसको धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, और उसके मेडिसिंस का खर्चा, उसके बॉडी का खर्चा, उसके कोट हेल्थ, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा आपका। बट ये सीधी सी बात है कि अगर आप एक बुल मैस्टिफ लेने का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको मेंटेन करने का भी खर्चा, उसकी पूरी लाइफ टाइम को मेंटेन करने का खर्चा भी अफोर्ड कर सकते होंगे। और हो सके तो एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हायर कर लीजिए जो कि अच्छा हो, जो आपके बुल मैस्टिफ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन एक पर्सनल ट्रेनर अलग ही होता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो अगर आप बुल मैस्टिफ लेते हैं तो आपको इन दो चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बुल मैस्टिफ को बिना ट्रेनिंग के भी संभाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम खुद ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और उनके देख देख के उनका डॉग भी डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनको ट्रेंड होना पड़ेगा एकदम परफेक्टली और बहुत सी ओबीडियंस वाली चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका ओनर ही पहले से डिसिप्लिन्ड है तो डॉग पे भी वही असर पड़ता है। और अगर आप लेज़ी है तो आपका डॉग भी लेज़ी होगा, इस टाइप से, मतलब ओनर जैसा होगा डॉग भी वैसा ही होगा। तो यही था बुल मैस्टिफ के बारे में। अगर आप बुल मैस्टिफ लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके पास एक बड़ा घर होना चाहिए, क्योंकि बुल मैस्टिफ छोटे साइज़ के घरों में ईजिली नहीं रह पाएंगे, पहले ही बता दूँ। तो एक बड़ा घर और ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन दो मेन चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ खर्चा तो है ही। तो आप अगर डॉग को संभालना चाहें तो किसी भी डॉग को संभाल सकते हैं, लेकिन ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे संभालता है ओनर। तो गाइज, यही था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। और हमें फेसबुक ग्रुप पे द अल्टीमेट डॉग्स के नाम से ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। टाटा।